हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोनित, आप देख रहे हैं इंजीनियर ब्लॉग्स। तो आज का टॉपिक है क्रैश बैरियर एंड फ्रिक्शन स्लैब। तो आप लोगों को साइट पे हम दिखाएंगे कि क्रैश बैरियर कैसे कास्टिंग होता है, क्रैश बैरियर का पार्ट क्या क्या है, और उसके साथ फ्रिक्शन स्लैब का भी कैसे कास्टिंग होता है। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे साइट पर। फिलहाल हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्रैश बैरियर क्या है। क्रैश बैरियर है कि जैसे ही हम ब्रिज बनाते हैं, कोई रिटेनिंग अर्थ वॉल टाइप का कुछ ब्रिज अगर हम लोगों को बनाते हैं, तो उस ब्रिज में क्या है कि एक बैरियर रहता है। उस बैरियर का काम ये है कि जैसे भी कोई व्हीकल अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट में एक स्पेसिफाइड स्पीड के साथ जा रहा है, तो अगर व्हीकल क्रैश करता है कोई स्पेसिफाइड एंगल पे, तो वो क्रैश होने के कारण व्हीकल को डैमेज से भी बचाता है ये क्रैश बैरियर, और साथ ही साथ जो इम्पैक्ट होता है व्हीकल टूटने का या नीचे गिरने का ब्रिज से, तो वो इम्पैक्ट को भी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रैश बैरियर। तो क्रैश बैरियर का काम ये है। अब क्रैश बैरियर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रैश बैरियर में हम लोग रेनफोर्समेंट तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। और M40 ग्रेड का कंक्रीट जो है वो हायर ग्रेड है, उसको हम लोग कास्टिंग करते समय उसमें नीडल वाइब्रेटर भी यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई भी हनीकॉम क्रैश बैरियर में ना आए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कंसिडर करके क्रैश बैरियर का कास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अपने स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए अब साइट पे हम लोगों को आप लोगों को दिखाते हैं कि क्रैश बैरियर कास्टिंग कैसे होता है। जी ये रहा अपना क्रैश बैरियर का कास्टिंग साइट, ये रहा क्रैश बैरियर का मोल्ड। ठीक है, अभी हम लोग TM से कंक्रीट मंगाए हैं और क्रैश बैरियर में पोरिंग चल रहा है, इसका मोल्ड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मोल्ड का दो पार्ट है, एक है फ्रिक्शन स्लैब, दूसरा है क्रैश बैरियर। अभी जो पोरिंग चल रहा है वो क्रैश बैरियर का चल रहा है। तो क्रैश बैरियर में अभी पोरिंग चल रहा है और उसमें साथ में जो अपना लड़का ऊपर है वो नीडल वाइब्रेटर उसके हाथ में है, वाइब्रेटिंग चल रहा है। प्रॉपर वाइब्रेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हनीकॉम डेवलप हो जाएगा सरफेस में। जो ट्रायंगल का जॉइंट है उसमें बेसिकली हनीकॉम आता है, तो इसलिए हम लोग वाइब्रेशन प्रॉपरली करते हैं और मोल्ड कास्टिंग के समय। जो जो ऑलरेडी कास्टिंग हो गया है सब यहीं पर रखा हुआ है, डेट ऑफ कास्टिंग भी लिखा है सब में। और वहाँ पे देख रहे हैं जैसे दूर में ये आरी पैनल जो कास्ट हुआ था उसको अभी क्यूरिंग के लिए टैंक में डाला जा रहा है। आप लोगों को एक दिन मैं आरी पैनल का कास्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो क्रैश बैरियर का साइट आप लोगों को मैं दिखा दिया, साइट पे कास्टिंग कैसे हो रहा है, पोरिंग कैसे हो रहा है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हम वीडियोस अपलोड करेंगे इंजीनियर ब्लॉग के रिलेटेड। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।